आप सबका गोपाला जी का नमन। देखिए, अपनी इच्छा अभिलाषा महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए शिवलिंग पे लोग तरह तरह के पदार्थ से अभिषेक करते हैं शिव जी जी को प्रसन्न करने के लिए। बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, मगर कुछ सामान्यतः जो पदार्थ चलन में हैं, जिनका शास्त्रोक्त विवरण भी मिलता है, उन पदार्थों से अगर आप शिव जी जी पे आप शिवार्चन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और एक मंत्र मैं लास्ट में बताता हूँ, सुनिए, बहुत अच्छा है शिव जी का मंत्र, आप इसको जपा कीजिए और आप देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। अगर देखिए सुख की, वैभव की, धन की अगर कामना है आपको, तो गुड़ से और चंदन से शिव जी जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। चंदन का इत्र आता है, उस इत्र को जल में मिला लें, उससे शिव जी जी का अभिषेक करें आप। अगर देखिए ऋण की अगर आपको कहीं समस्या है, ऋण के अधिभार से त्रस्त हैं आप, तो चावल का अभिषेक करें आप। चावल थोड़े से आप उबाल लें उनको, उससे अभिषेक करें, उससे शिव जी जी की प्रसन्नता पाने का एक बहुत अच्छा उपक्रम सिद्ध हो सकता है आपके लिए। अगर मान लीजिए कहीं भय है, कोई अज्ञात भय है, कुछ भी भय है आपको, शत्रुवत व्यवहार लगता है कहीं आपको, तब आप संतरे का जूस, इससे आप शिवलिंग पे आप इसे अभिषेक करें। चीनी और शहद से अभिषेक किया जाता है। देखिए, जिनको मधुर आवाज़ की कामना है, जो गायक हैं, जो संगीतकार हैं, ये जो ओरेटर हैं, जिनकी बोलने का काम होता है, तो अगर इससे करते हैं तो मन में मधुरता पैदा होती है, आवाज़ में मिठास आती है। मोक्ष की कामना से अगर अभिषेक करते हैं तो ऐश बनाई जाती है, भभूत बनाई जाती है, मगर वो भभूत सामान्यतः अगर कुछ नहीं मिलता तो गाय के गोबर के कंडे को जला के उसकी ऐश बनाई जाती है, और फिर इसमें अपने प्रयोजन के अनुसार अलग अलग इसमें पदार्थ, अलग अलग इसमें वनस्पतियाँ मिलाई जाती हैं, उनकी रूट्स मिलाई जाती हैं, उससे अभिषेक किया जाता है शिवलिंग। अगर निर्वाण की अपेक्षा है, मोक्ष की कामना है, तब घी से अभिषेक किया जाता है शिवलिंग पे। संतान सुख की कामना है, संतान से परेशान है, बहुत सारे ट्रबलसम बच्चे होते हैं, तब घी से अभिषेक कीजिए आप शिवलिंग पे। सुख के लिए, सुविधा के लिए, बहुत सारे ऐश्वर्य के लिए, विशेष रूप से लड़के हों या लड़कियां हों, विवाह की समस्या के लिए, पारिवारिक क्लेश के लिए, पारिवारिक समस्याओं के लिए गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए शिवलिंग का। पंचामृत से शिव जी जी का अभिषेक किया जाता है, पंचामृत सब जान। अगर स्वास्थ्य की कामना है, आरोग्य चाहिए, दीर्घायुष्य चाहिए, तब आप अनार के रस से शिवलिंग पे आप अभिषेक कीजिए। देखिए, मैं अपराजिता को, आजकल दिन है अपराजिता के, अगर सफ़ेद और नीली अपराजिता मिल जाती है तो अपराजिता के फूल आप शिव जी पे अर्पित कीजिए। जनरल हैप्पीनेस के लिए, दैहिक, भौतिक, दैविक कामनाओं की पूर्ति के लिए अपराजिता के फूल बहुत अच्छे से सिद्ध होते हैं, और सबसे अच्छा उनके लिए जहाँ जय की दरकार होती है, जहाँ सक्सेस चाहिए, जहाँ चाहते हैं कि कहीं ना कहीं उनको, जहाँ फेल हो रहे हैं और चाहते हैं, तब नाग केसर आप ले सकते हैं। नाग केसर अपराजिता के पुष्प, नीले सफ़ेद दोनों मिल जाएँ, नहीं तो दोनों में से कोई भी मिल जाए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं। नाग केसर उसको जल में आप मिला लीजिए, उससे अभिषेक कीजिए, और उसके बाद में आप अपराजिता के पुष्प अर्पित कीजिए। देखिए, जय के लिए शत्रुगत व्यवहार, विशेष रूप से जहाँ पे कोई लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट है, कोई शत्रुगत व्यवहार है, बहुत अच्छा आपको लगेगा अगर आप इससे शिव जी जी का पूजन पाठ करते हैं। और लास्ट में मैंने कहा था एक मंत्र बताऊंगा, हमारे महाराज जी ने बताया था ये वाला मंत्र, जो भी जाप करते हैं, जो भी मंत्र आप जाप करते हैं शिव जी जी को लेके, मगर एक मंत्र का आप सतत नियमित रूप से नियम बना लें, जब भी आप कुछ नहीं करते तो उसके अर्धा को स्पर्श करें, शिवलिंग को स्पर्श करें, तीन उंगलियों से स्पर्श करके माथे पर ऐसे बनाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट त्रिपुंड बनाते हैं जिस तरीके से बनाएं, और बनाने के बाद में ये वर्टिकल भी होता है और हॉरिजॉन्टल भी होता है, तो हमें हॉरिजॉन्टल बनाना है, एक लेफ्ट टू राइट, और मंत्र बोले राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव हरे, राम शिव राम राम शिव हरे करिए। और बिल्व पत्र का तो सामान्यतः चलन है ही, सबको पता है बिल्व पत्र चढ़ाते हैं जनरल हैप्पीनेस के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। शिव जी जी कली काल में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी मान्यता, भोले बाबा इसलिए कहते हैं ना, हरे की इच्छा हरे की मनोकामना पूरी कर देते हैं। इस टाइप के पदार्थ और भी बहुत सारे पदार्थ मिलते हैं, आप देखते रहिए गोपाल जी मोटिवेशन वीडियोस, इस टाइप के आपको स्पिरिचुअल वीडियोस में बहुत सारी नई नई चीज़ें, यूनिक चीज़ें मिलती चली जाएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं सरलीकरण करके देता हूँ उनका, ताकि हरेक आदमी उनको सुविधा से अडॉप्ट कर सके। करिए, देखिए, है ना, प्रभु आपका भला करें ही करें। सीताराम।